So we have now the one and only Meera ji with us. Assalamu alaikum Meera ji, kaise hain? Assalamu alaikum. Good to see you at the LSS. Aaj ki ceremony se kya expect kar rahi hain? Dekhen लक्स के साथ पहले मैं ये बताऊं कि मैंने HS5 जी जी और मेरा आई एम वेयरिंग टुनाइट HS5 एंड लुकिंग लवली माशाल्लाह थैंक यू सो मच एज ऑलवेज और मेकअप बख्तावर टोनी एंड गाइस से उन्होंने मेरा मेकअप किया है मेरे साथ एहसन है रेड कारपेट पर इन्होंने 5 फिल्में प्रोड्यूस की हैं माशाल्लाह और हमेशा इन्होंने इंडस्ट्री को और लक्स को इनकी काफ़ी खिदमत हैं एहसन अब्बास की और मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये है कि अगले साल इंशाल्लाह मैं लक्स के कमर्शियल अच्छा मैं लक्स का कमर्शियल कर रही हूँ और इसके अलावा ये है कि लक्स के साथ एक मेरा खूबसूरती का रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है लक्स मेरी फैमिली की तरह है जी जी बिल्कुल अब तो ऐसा रिश्ता है कि लक्स इज़ माई पार्ट ऑफ माई फैमिली लक्स के बगैर तो ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं होती जी हम आपको फिल्म में कब देखेंगे इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह थैंक यू सो मच मीरा जी थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू जी हमारे साथ मौजूद हैं सबूर और अली अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप मैं तो बिल्कुल ठीक हूं आप कैसे जबरदस्त सबूर से मेरी बातचीत और मुलाकात होती रहती है आप नहीं हाथ आते क्या वजह है आप नजर रखें इन पे क्यों नहीं रखनी नजर आप छोड़ें मैं अभी रिसेंटली सबूर को मैंने इंटरव्यू किया अपने टॉक टॉक शो के लिए और सबूर ने आधी बातें आपके बारे में की शो में और मुझे लगा कि आधी मेरे बारे में की लेकिन आधी मेरे बारे में भी नहीं की तो आधी आपके बारे में की और आधी बस दूसरी चीजों की वैसे शो कैसा गया आपका बहुत मजे का ये तो सबूर बताएंगे आप नहीं नहीं वैसे भी शो के जो रिव्यूज हैं वो बड़े मजेदार आ रहे हैं सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सबूर और अली आज आप आज की शाम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बता सकते हैं अपने फैंस को मैं तो अगले साल का पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 2022 खत्म होगा ना अगले साल का बताएं बस ये है कि मेनी बिग थिंग्स कमिंग सून मैं ये कहूँगी लोगों से कि अच्छी चीजें देखना शुरू करें ताकि हम अच्छी चीजें बनाए ये देखें ये होती है असल गहरी बात कि एक्चुअली आवाम डिसाइड करती है कि क्या कंटेंट बने डू एली डू यू एग्री एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली है ना खावे लुकिंग लवली बोथ ऑफ यू थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम एंड इंशाल्लाह अली आपके साथ भी एक लंबी गप ड्यू है हमारी जल्द करते हैं थैंक यू टेक केयर थैंक यू Humaima, first of all, looking stunning, absolutely stunning. Really, thank you. This you don't believe me? No, I don't believe you. Why? This coming from you, I need to take a minute and then believe it. Why? I would like to, just like this. splendid performance earlier today as Daro in the legend of Maula Jatt. What a phenomenal performance. Meri to matlab dil ki dhadkne aapki performance ke sath upar niche. How's the feedback been? Main bhi upar niche, you know, mera dil, you know, each time people say, oh, ye Daro hai. So I feel so excited and so happy. Thanks to Allah because this has been a very difficult time for me and before I was not working now I'm opening the Lux Style Awards my film have done some 200 crore rupees and mashallah and all around the world it's doing so well and we are you know we are going to be touching you know more than this inshallah so I'm feeling superb yeah acha what should be we be looking forward to in 2023 any more projects because ye zyati karti hain aap ya aap kaam nahi karti hain main zyati is dafa nahi kar rahi hu iske baad mera ek bahut hi अहम प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है जिंदो जो कि अंजुम शहजाद का है एंड आई एम प्लेइंग जिंदो सो इट्स गोइंग टू बी एज स्ट्रॉन्गर एज दारो इज इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू थैंक यू समथिंग अबाउट योर परफॉर्मेंस टुनाइट बस जस्ट प्रे फॉर मी एवरीबडी माई ब्रदर इज नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट एक्टर एंड आई एम गोइंग टू बी ओपनिंग द शो सो हसन मी तो जान के विश यू ऑल द बेस्ट मैम टेक केयर जी 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 ये देखें शिपाकू नौजवान और ये लुक का क्या सीन है भाईजन क्या हुआ मतलब है कि मतलब आप नए नए स्टाइल नए नए शोज में जाके ऐसे आपने सब हीरोज को टेंशन दी हुई है स्टाइल माफिया बने हुए असल तो वो हमारा भाई हीरो जब आएगा शो के ऊपर फिर मतलब है कि गेम ऑन होगी हम हाजिर हम तो हमेशा आपके लिए नहीं लेकिन ऑनेस्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद द लुक नया प्रोजेक्ट या एवं ही मतलब मैं आजकल तो लिख रहा हूँ ओह हाँ
ब्रेकिंग न्यूज, इमरान अशरफ फिर से लिख रहे हैं। हाँ हाँ, तो बस क्या लिख रहे हैं भाई? मैं बातें वो बातों के तो आप शेर हैं, लेकिन आगे की बताएं। है एक प्रोजेक्ट है और बहुत सारे चांसेस हैं कि अपने उस लिखे हुए प्रोजेक्ट में आपको नजर आऊंगा मैं इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रेक आएगा, थोड़ा सा ब्रेक है, कुछ अरसा मैं नहीं आ रहा। 2023 में नहीं देखेंगे हम आपको? नहीं, बहुत 2023 में इंशाल्लाह। दो महीने बाद शुरू हो रहा है तो उस बुद्ध 12 महीने भी नहीं, क्या घंटे का 2000 नहीं देखेंगे ना। ब्रेक फिर किस चीज का भाई? मैं 6 महीने से नहीं हूँ स्क्रीन पे, फिर आगे भी 2-3-4 महीने हमें महसूस ही नहीं हुआ। क्यों कि 6 महीने? अब ये तो आप बताएं कि क्यों नहीं लोग महसूस ही नहीं कर, ऐसा लगता ही नहीं कि इमरान, क्योंकि मेरा मेरा ख्याल है कि आप जब टीवी पे देखते तो मैं नहीं होता, लेकिन जब थोड़ा सा दिल की तरफ देखते तो मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये राइटर मोड में इस वक्त जा चुके हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू, लेकिन ऑलवेज अ प्लेजर इमरान, आज आप नॉमिनेटेड हैं। लवली सीइंग यू सर, नॉमिनेटेड हैं आप, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं यार, नॉमिनेशन पे नॉमिनेशन, एक एक बार आप दो बार अवार्ड घर ले जाते हैं कभी कभी, फिर आप नॉमिनेट हो जाते हैं। देखें बिल्कुल ऐसा ही है जब किसी जैसे जैसे किसी शख्स को बहुत देर से भूख लगी हो और उसको अच्छा खाना मिल रहा हो। रेड कार्पेट पर जितने लोग थे उनसे आपकी मुलाकात मैंने करा दी है। मुझे लगता है कि अब मजीद स्टार्स आपको रेड कार्पेट पर नहीं मिलेंगे क्योंकि अंदर शो शुरू हो चुका है। तो अब चलते हैं अंदर, कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी आपके साथ कोई थोड़ी मजे मजे की फुटेज आपके साथ शेयर करें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम द रेड कार्पेट, सी यू इन जस्ट अ बिट। अच्छा, अंदर की वीडियो की हाइलाइट्स आपके साथ नहीं शेयर हो सकी, उसके लिए अपॉलोजीज। उसकी वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे जब हम अपना डिटेल्ड हॉट बाइट्स करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड्स के आज के इवेंट के ऊपर। अभी अंदर इवेंट चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, बट थोड़ा सा ही रह गया, तो मैंने सोचा मैं बाहर आऊँ और इस वीडियो को कंक्लूड कर लूँ। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश की कि रेड कार्पेट के ऊपर जितने भी स्टार्स आए उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए, और बाकी इवेंट कैसा था, उसकी हाइलाइट्स थी नहीं थी, जो थी वो क्या थी, हिट्स और मिसेस क्या थे, अवार्ड किसको मिला किसको नहीं मिला, नॉमिनीज में कौन था, सबमिशंस कैसे हुई, ये प्रोसेस क्या था, ये सारी बातें डिटेल में करेंगे आने वाली हॉट बाइस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज आपको मिलती रहें। बहुत जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज़।